आज हमारे में रोलर कोस्टर आइसक्रीम खाने के लिए भाई, हमने आइसक्रीम बहुत खाई होगी लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे रोलर कोस्टर आइसक्रीम। भाई जस्ट लुक एट दिस भाई, ये आ गई भाई बर्फ इनकी, ये देख लो भाई बर्फ आ चुकी है। ओ क्या बात है भाई, ये देखो जस्ट लुक एट दिस भाई, बर्फ को बहुत अच्छे तरीके से कूटा जा रहा है यहाँ पे, ये देखो भाई। और ये देखो भाई, ये इसके भी जाएगा अंदर, क्या बात है, ये देख सकते हो भाई आप अंदर बहुत अच्छे तरीके से। अरे ये आ गया भाई नमक, क्या बात है, नमक की काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी डाली जा रही है इसकी भी। ये सर कितना नमक होगा सर, ये 10-12 किलो नमक है भाई, ये देख लो, ये आपको दिखा देता हूँ मैं नमक, आप देख सकते हो मेरे हाथ पे ये वाला नमक इसके बीच जा रहा है। तो ये देखो भाई आप मोटा नमक देख सकते हो, ये मोटा नमक है जो सारा इसके बीच डलता है भाई, ये देखो यहाँ पे भाई डाल रहे हैं मोटा नमक, क्या बात है। मोटा नमक से मुझे मोटा भाई याद आ गए, ठीक है, इसी बात पे आप ना लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दो, मैं भी डाल देता हूँ, देखो मैं भी भैया की हेल्प कर रहा हूँ आज। और ये क्या है, इसका कवर है, ये देख लो भाई इसका कवर, इसको अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा ताकि एक भी सुराख हवा इसके आर पार ना हो सके, इस पर नट कैसे जाएंगे आई थिंक, है ना। ये आ गया लोहे की कवर भाई, ये आ गई लोहे की पत्ती, कुछ भी कह सकते हो आप, इसके ऊपर नट कैसे जाएंगे, ये देख लो आटे की लेयर लग चुकी है अच्छे तरीके से चारों तरफ से, ताकि कोई भी हवा या गैस मतलब लीक ना हो, अंदर कोई भी हवा ना जा सके, चारों तरफ से कवर हो चुका है नट नट बोल्ट लगा के। तो भाई ये सिल्वर फोल लग चुका है इसके ऊपर, ये क्रीम और रबड़ी का बेस है भाई, ठीक है, सही बोला ना सर मैंने, क्रीम और रबड़ी का बेस है भैया ये, ये देखो इसके ऊपर लगना शुरू हो चुका है रोलर के ऊपर, क्या बात है भाई। आपने इससे पहले मेकिंग देखी है ना ऐसी आइसक्रीम वाले, तो मेरे को बताना। ये देखो भैया हाइजीन का काफ़ी अच्छा ध्यान रखा गया है, ठीक है, भैया ने ग्लव्स पहन रखे हैं, ये देख सकते हो आप, ये देखो जस्ट लुक एट दिस भाई, किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये आइसक्रीम देख के मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई। 5 या 6, ये देखो भाई जस्ट लुक एट दिस, ये यहाँ पे भैया पपीता काटते हुए अच्छे तरीके से, क्या बात है। और ये देखो यहाँ पे पपीते को अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के लगाया जा रहा है ताकि वो टेस्ट आए, क्यों भैया टेस्ट के लिए तो किया जा रहा है ना इतनी मेहनत, सारा खेल टेस्ट का है ना। तो ये आ गया भाई तरबूज, क्या बात है, वाटरमेलन, क्या बात है भाई, जस्ट लुक एट दिस भाई, काफ़ी कलर फुल है, वाटरमेलन को अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है इसके ऊपर रोलर के ऊपर भाई, रोलर कोस्टर आइसक्रीम फेमस इन दिल्ली, ये देखो भाई क्या बात है, ये देखो भाई बनाना को अच्छे तरीके से रोलर के ऊपर लगाया जा रहा है, काफ़ी तरह के फ्रूट है, टोटल कितने फ्रूट्स लगते हैं भैया इसके ऊपर, 5 to 6 फ्रूट, अच्छा मतलब सर्दियों में आएंगे तो दूसरी होगी। देखो ये आ गया मैंगो, अभी यहाँ पे मैंगो लगने जा रहा है भाई, जस्ट लुक एट दिस, ये आ गया भाई मैंगो, क्या बात है, मैंगो वैसे ही मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट है तो कमेंट्स में जरूर बताओ। ये देखो भाई यहाँ पे आ गया मैंगो, मैंगो लग रहा है यहाँ पे, क्या बात है, यू कैन लुक एट दिस गाइस, भाई मैंगो लग रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे मैंगो को अच्छे तरीके से लगाया जा रहा है, एक ठीक है भाई पूरा एक मैंगो लगेगा, उसके जितने भी पीस होंगे ना, देखो भाई मैंगो पूरा लगा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई भैया मौसम्मी, भाई क्या बात है, मौसम्मी का जूस आ गया, ये देखो भाई, ये देखो मौसम्मी का पूरा जूस आ गया, क्या बात है। ये आ गया भाई मौसम्मी का जूस, आप देख सकते हो भाई पूरा मौसम्मी का जूस है ये, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक कोडिंग और आ रही है, देख सकते हो आप, ये लास्ट, ये लास्ट है ना भैया, तो भाई ये लास्ट वाली है, अनार को काटा जा रहा है, भैया काट रहे हैं अच्छे तरीके से, क्या बात है, देख रहे हो हाथों से ही कर दिया भाई, भाई ने ये देखो भाई यहाँ पे अनार का जूस डाला जा रहा है भाई इसके ऊपर, आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। तो ये देखो भाई यहाँ पे अनार का जूस डाला जा रहा है भैया के द्वारा, ऊपर से अनार का जूस है भाई, ये अनार का जूस डाला जा रहा है भैया हाथों से ही अनार का जूस डाल रहे हैं। ये आ गया भाई रूह अफ़ज़ा, देखो रूह अफ़ज़ा डाला जा रहा है इसके ऊपर, क्या बात है, देख लो बूंद बूंद करके भैया पूरी लेयर बना रहे हैं एक एक करके, देख लो क्या बात है, एक भी गलती नहीं हो रही, देखो आप स्केल से नापोगे ना बिल्कुल उतना है, जैसे मैथ में होता है ना बिल्कुल प्रॉपर साइज़ का वो है, क्या बात है। रूह अफ़ज़ा आ गया भाई, रूह अफ़ज़ा के बाद सर खस, खस सही बोल रहा हूँ खस, तो भाई ये आ गया खस, ठीक है खस आ गया भाई, क्या बात है। ये देखो इसका कलर भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन है, तो काफ़ी कलरफुल आइसक्रीम हो जाएगी हमारी, ठीक है।
क्या बात है भाई, मेरे तो अभी से देख के ना मुंह में पानी आ रहा है कि आई एम जस्ट थिंकिंग हाउ के टेस्ट कैसा होगा इसका। काफ़ी ग्रीन ग्रीन खस आ गया ये भाई, आप देख सकते हो ग्रीन ग्रीन लेयर आ गई इसके ऊपर, ये ग्रीन ग्रीन मैंगो सिरप आ गया भाई, ये देख लो मैंगो सिरप आ गया भाई, अभी मैंगो, ये मैंगो सिरप है भैया, मैंगो सिरप डाल रहे हैं भाई इसके ऊपर, इसका कलर येलो येलो आ गया भाई, देखो रेड भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, येलो भी आ गया, अब इसके बाद चॉकलेट सिरप भी आ जाएगा, ब्लैक भी आ जाएगा, तो ये आ गया भाई चॉकलेट सिरप है ना, तो ये आ गया भाई चॉकलेट सिरप, आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह डलता हो भाई, ये आ गया भाई लास्ट में चॉकलेट सिरप भाई, ये देखो चॉकलेट सिरप डल रहा है इसके ऊपर, आप देख सकते हो, ये देखो भाई चॉकलेट सिरप डाला जा रहा भाई के द्वारा, ये देखो ये रहा चॉकलेट सिरप हाथ में भाई के, चॉकलेट सिरप डाला जा रहा, क्या बात है, तो रेडी तो फाइनली भैया हमारी रेडी हो चुकी है रोलर कोस्टर आइसक्रीम, क्या बात है। अब भैया खुर्च के हमारे लिए एक प्लेट लगाएंगे प्यारी सी अपने हाथों से, आई थिंक वी आर दी फर्स्ट कस्टमर, ठीक है आज है ना भैया, तो ये देखो भैया हमारी अच्छे तरीके से खुर्च खुर्च के इसको अच्छे से, खुर्चन आइसक्रीम भी बोल सकते हैं आई थिंक इसको, और फ्रूट आइसक्रीम भी बोल सकते हैं, काफ़ी फ्रूट्स हैं है ना, मतलब रोलर कोस्टर आइसक्रीम तो है ही है, मतलब इसके तीन चार नाम हो गए है ना, दो तीन नाम हो जाते हैं, तो भैया इसको खुर्चन आइसक्रीम भी कह सकते हो, रोलर कोस्टर आइसक्रीम भी कह सकते हो, ये आ गया चॉकलेट सिरप है, तो ये देखो भाई इसके ऊपर आ गया ये चॉकलेट सिरप, क्या बात है, रेडी तो भैया हमारी ना रोलर कोस्टर आइसक्रीम बन के रेडी हो चुकी है भाई, जस्ट लुक एट दिस, किस किस के मुंह में पानी आ रहा भाई मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना भाई, और ना आइसक्रीम हमको लेना होता थंबनेल तो उसके चक्कर में हमारी आइसक्रीम पिघल जाती है, ये देखो भैया ठीक है, इसको लूँ भाई टेक, ओह तो भाई वाकई में ना आई रियली लाइक इट।